और तकरीबन आधा घंटा रह गया है जाने को। अब बस मैक्स की बारी है, मैक्स को भी इसमें पैक करना है। अबे मेरा क्या कसूर है, मुझे तो छोड़ दे नीचे। अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यार आज हम लोग होम टाउन जा रहे हैं ईद करने के लिए, और मैक्स भी हमारे साथ जा रहा है। फर्स्ट टाइम तो ये जब हमारे साथ गया था तब ये 1 या 2 मंथ का था, तब गया था, तब तो छोटा सा था ये, हैं तब तो छोटा सा था, इतना सा था। और बहुत कमेंट्स होते हैं मैक्स की एज को लेके कि मैक्स की एज क्या है, तो आज ये भी रिवील कर देता हूँ। हैं बता दूँ तेरी एज, बुढ़ा हो गया ये। नहीं नहीं इसकी एज अभी 1 ईयर भी नहीं हुई, ये तकरीबन 11 मंथ्स का है। और ये फर्स्ट ईद है अभी हमारी मैक्स के साथ, हैं अभी तो ये देखे हैं पाँव वगैरह इसके गीले हुए हैं, वो इस वजह से है, इसको नहलाया नहीं है, बस फेस वॉश किया और पाँव इसके वॉश किए हैं। नहलाया तो आपने कुछ डेज पहले देखा होगा व्लॉग में, इसको नहलाया था। अभी इसके फेस और पाँव गंदे हुए हुए थे बाहर फिर फिर के, बाहर मिट्टी में जाकर खेलते हैं ना इस वजह से। अभी मैं जल्दी से इसको ये डाइट दे देता हूँ, पहले ये फीड तो वैसे मैंने डाली थी पर ये खाता नहीं है, जल्दी से डाइट डाल देता हूँ खा ले, उसके बाद अभी इसका सामान सारा पैक करने वाले। मैक्स आजा, ये डाल दिया है, आजा जल्दी 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 खा ले, फिर जल्दी खा ले, उसके बाद बाउल वगैरह भी इसके उठाने हैं, और लीटर बॉक्स भी अभी वो पड़ा हुआ है, लीटर बॉक्स भी उठाना है। सारा सामान अभी इसका पैक करने वाला है, और तकरीबन आधा घंटा रह गया है जाने को। और उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, आगे तो और भी मज़े की वीडियोस आने वाली हैं, ईद पे भी आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है मैक्स, बताना नहीं है अभी, ठीक है। ये तो अभी खा रहा है, जल्दी से खा ले, उसके बाद बाउल वगैरह भी उठा लेते हैं, पानी वगैरह भी पी लेगा, फिर बाउल दोनों एक साथ ही उठा लेंगे। और इधर से इसका ये सामान उठा लेते हैं यार जो ले के जाना है, अभी इसकी पैकिंग करनी है साहब जी की। ये बैग ले आए, सामान सारा उठा के इसमें डालते हैं, और इधर से ये होगी, इसमें डाल के ले के जाएंगे ना। ओके ओ ओ ये क्या सरप्राइज, मजाक कर रहा हूँ, ये अभी रूम में पी रहा था तो मैंने इसमें बंद कर दिया, मैंने कहा फिर अब यहाँ पे हैं, मजाक कर रहा था, ये लो मैक्सू, मानना नहीं है इसको। और यार ये चूचू हमारे साथ नहीं जा रहा, इसका नेम मैंने चूचू रख दिया था, सारा दिन चूचू जो ये जो करता रहते, इस वजह से नेम भी चूचू रख दिया था, और ये हमारे साथ नहीं जा रहा, बस मैक्स जा रहा है। मैक्स ओ देख लो अब इसके काम के पंगे ज़रूर लेने होते हैं तूने उसके साथ, बेचारे के साथ अब तो जाने लगा है, उसको अकेला छोड़ के अब तो छोड़ दे उसकी जान। जैसे इसका सामान तो उठाएं यार, ये बैंड भी रखना है और ये वाला भी रखना है, दोनों रखते हैं ये मैक्स हैं। और इधर ये हीरो की ऐनक पड़ी हुई है, मैक्सू ऐनक पहन के तो दिखा दे भाई, ये मैंने ईद के लिए ली है, ईद पे पहनूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, ईद पे पहनी, ठीक है ईद पे। अभी मैक्स का मैंने सूट भी सिलवाया है, वो भी आप लोगों को ईद पे दिखाऊंगा, तो ईद पे बहुत सरप्राइज़ है, वो सारे आपको ईद पे मिलेंगे। ये सारा सामान इसका निकालिए जो लेके जाने, इतना ज़्यादा सामान जमा हो गया गंदे बच्चे का, बाकी जो टॉवल है वो इसमें रख दिया है, बाकी ये जो सामान है ये सारे इस बैग में रख लेते हैं, और उसके बाद मिलते हैं डायरेक्ट गाड़ी में। सामान तो बाकी हो गया सारा पैक, अब बस मैक्स की बारी है, मैक्स को भी इसमें पैक करना है, पैक तो नहीं करना बस बिठाना है, तो गाड़ी में जाके इसको बाहर निकाल लेंगे ना फिर, हैं मैक्सू गाड़ी में जाके बाहर निकाल लूँगा, ठीक है अभी आ जा आ जा। अभी दिल नहीं कर रहा मेरा। ओ नहीं आना, पहले तो खुद ही जाके लेट जाता होता था, बंद कर दिए इसे, इसमें खुद तो गया नहीं है, पकड़ के बंद करना पड़ा है। गाड़ी में बैठ के ये ऊपर वाले जो दोनों कवर हैं ये भी उतार देंगे ना, फिर इसी में सो जाएगा, और इसने आधा सफर तो सो के गुजार देना है। अच्छा अभी तो बंद कर देना। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और जाते जाते यार इनको भी लाफिश कर दें, लाफिश बेबी पिजन। और यार जब मैं आऊंगा तो एग से बेबी पिजन निकले होंगे, अभी दिखाओ तो सही एक बारी, वो देखो एग पड़े हुए। अच्छा सॉरी सॉरी, बाय बाय। Nam 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 nam
The next day. तो फाइनली यार हम पहुंच गए थे और ये साहब जी को भी यहाँ पे जगह मिल ही गई विंडो में बैठने की, बाहर देखने की कोई ना कोई। यहाँ पे भी अब विंडो में बैठ के बाहर ही देखी जा रहा है और बाहर बारिश हो रही है, इतना मज़े का मौसम बना हुआ है, है मैक्स। और मैक्स यहाँ पे बैठे इंजॉय कर रहा है, इसको कोई फिक्र नहीं होती मैं कहाँ हूँ, किसी और के घर चला गया या कहीं और चला गया, स्ट्रेस में जाना है। बस इसको ये होता है मेरे साथ ये है पड़े और बस मैं अपनी शरारतें करता रहूं। और वीडियो को भी यहाँ पे करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दें और हमारे चैनल रिहान एंड मैक्स को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एक तो ये पता नहीं हर बार मुझे क्यों साथ लटका लेता है, अबे मेरा क्या कसूर है, मुझे तो छोड़ दे नीचे।